अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चीज़ ब्रेड। उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 1/2 कप दूध है, 1/2 कप पानी है, 1.5 टीस्पून ईट्स है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चीनी है, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क है और मेल्टेड बटर है। जी, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए हमें डो तैयार करना है। और डो के लिए इसे हटा देते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ चीनी और नमक, और डाल देते हैं इसमें ईट्स और डालेंगे इसमें दूध। दूध को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है और क्रीम वाला दूध है। तो इसे कर लेते हैं हम मिक्स। इसे मिला लिया, इसे कर देते हैं साइड पे। और अब मैदे में डाल देंगे ड्राई मिल्क और ये ईट्स जो पानी में हल्के के दूध में रखा था हमने, ये मिला देते हैं और इसे कर लेते हैं मिक्स अच्छे से। इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना। और अब डालेंगे इस पे बटर और अच्छे से गूंद लेना है ऐसे। इसे ऐसे मिक्स करके ये देखें इतनी सॉफ्ट डो हमने तैयार कर ली है। ऐसे इस पे लगा देंगे शीट, इसे कर देते हैं साइड पे। तो यहाँ 1/2 डो मैंने ले ली है क्योंकि मुझे बहुत छोटा सा बनाना है। यहाँ 1/2 डो ले ली है क्योंकि मुझे एक छोटी ब्रेड चाहिए, जिसे हल्का सा मैं बेल लेती हूँ ताकि अपने साइज के हिसाब से हम इसकी लेंथ रख सकें। में डाल रहे हैं हम लोग चीज़ भी जो आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैटर चीज़ लिया है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। और अब इसे करेंगे हम ऐसे रोल, यहाँ से करना है बंद, दोबारा से रोल करना। हमने लगा दिया है बटर पेपर और बटर ब्रश कर दिया है इस पे, और इस रोल को उठाएंगे और रखेंगे इस पे ऐसे। पहले इस पे बटर ब्रश कर रहे हैं हम, और अब इसे नाइफ से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, बहुत गहरे भी नहीं, सिर्फ हमने डिजाइन देना है ऊपर ऐसे। और अब इस पे अंडा ब्रश करेंगे। और अब इस पे लगा रहे हैं वाइट तिल, आप चाहें तो कलंजी भी लगा सकते हैं, ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं, खसखस भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो लगा लीजिए। जी, ऐसे ये तैयार कर लिया है, इसे अब रखते हैं ओवन में 25 मिनट के लिए। तो हमारी चीज़ ब्रेड बिल्कुल रेडी है और देखिए चीज़ कैसे मेल्ट होके बाहर आ रहा है। तो इसे तोड़ते हैं यहाँ से, ये देखिए वाओ कैसे सारा चीज़ मेल्ट होके बाहर आ रहा है। बहुत टेस्टी है, ज़रूर बनाइएगा। और इस शेयर के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे, तुझे नहीं है अभी फुर्सत करम ना सही, तुझे नहीं है अभी फुर्सते करम ना सही, थके नहीं हैं मेरे हाथ भी दुआ करते। तो आपसे भी कहूँगी दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।